आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सुप्रभात। सार्थक अर्बन जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये तीन कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। बहुत सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। उसके पहले जो हमारे भाई बंधु आज वीडियो एग्ज़ाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं उन भाई बहनों को दिल से शुभकामनाएँ। ईश्वर उन्हें सफलता प्रदान करें और वो किसी भी बहकावे में ना आए और आराम से एग्ज़ाम दें बेहतरीन ढंग से, जितनी तैयारियां उन्होंने की हैं और आपकी तैयारियों का फल आपको ज़रूर मिलेगा। इस बार बहुत तगड़ी व्यवस्था की गई है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से। एसटीएफ की निगरानी में ये परीक्षा रही, लाइव टेलीकास्टिंग होगी इसकी, है ना। तो किसी भी प्रकार के गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। आप सभी लोग बियॉन्ड सपोर्ट के चक्कर में ना पड़े कहीं से भी, अपने मेहनत पे, अपने दिमाग पे, अपनी स्टडी पे और अपने धैर्य पे, अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखें और बेहतरीन ढंग से एग्ज़ाम हाल में 2 घंटे बेहतरीन ढंग से बिताएं, क्योंकि आप पढ़ते बहुत हो, है ना, लेकिन आप उसको ठीक ढंग से डिलीवर नहीं कर पाते हो, लेकिन इस बार आपको डिलीवर करना है। खबरों की शुरुआत कर लेंगे, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। इस समय एज रिलैक्सेशन का मुद्दा सबसे ज़्यादा पीक पे है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। चाहे वो यूपी कांस्टेबल के विद्यार्थी हो, चाहे वो यूपीएसआई के विद्यार्थी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के विद्यार्थी हो या आपके यूपीपीएससी के विद्यार्थी हो, सभी का एक ही मुद्दा है एज रिलैक्सेशन। और एज रिलैक्सेशन के संबंध में जितने भी कार्यदायी व्यक्ति हैं, चाहे वो संस्थाओं से रिलेटेड हों, चाहे वो शासन से रिलेटेड हों, ठीक है ना, हर किसी को ज्ञापन और पत्र आदि प्रेषित किया गया है और सारी चीज़ें वो डिक्लेयर की गई हैं। मैं आप सभी लोगों को एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई कि इस वैकेंसी में आप सभी लोगों को मिनिमम 2 वर्ष अधिकतम 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन प्राप्त होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब एज रिलैक्सेशन को लेकर के कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एज रिलैक्सेशन को लेकर के इसमें सिर्फ और सिर्फ इसी बात की चर्चा की जा रही है कि एज रिलैक्सेशन किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए ताकि जो रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, है ना, जैसे मतलब ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी हो गया, ठीक है, दिव्यांगजन हो गए, आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए, मतलब जो भी क्राइटेरिया आपका आरक्षण का रिजर्वेशन का आता है, उनमें किसी भी प्रकार का गतिरोध न उत्पन्न होने पाए, नियमावली में किसी प्रकार का गतिरोध न उत्पन्न होने पाए, इसके लिए बाकायदा सारी पॉसिबिलिटीज़ को खंगाला जा रहा है। और मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए इसके लिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस बात का आश्वासन दिया है, जाहिर सी बात है वो यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की वैकेंसी का भी आश्वासन दिया था और वो सत्य हुआ है, ठीक है ना। और उन्होंने ही बताया था कि बहुत जल्दी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में नियुक्ति होने वाली है निदेशक महोदय की, अध्यक्ष महोदय की, और बहुत जल्दी का मतलब ये था कि आप लोगों का 14 तारीख को ये काम हो गया, है ना, और आज या कल की डेट में, आज तो फिलहाल शायद नहीं है लेकिन कल की डेट में आपको पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में एक महत्वपूर्ण मीटिंग देखने के लिए मिलने वाली है जो कि आपके इन्हीं मुद्दों पर वहाँ पर मीटिंग होगी, ठीक है ना, जिसमें समस्त गणमान्य आपके सदस्य महोदय, महानिदेशक महोदया, सभी लोग उपस्थित होंगी और बाकायदा एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर चर्चा परिचर्चा की जाएगी। मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की तैयारी करने वाले हमारे भाई बहन हैं वो अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल को शेयर किया करें और जोड़िए, आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है ना। और एज रिलैक्सेशन आप लोग निश्चिंत रहिए, ये सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का वादा है कि आप लोगों को यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन अवश्य मिलेगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी इसमें आज जैसे कि आपको पता है वीडियो एग्ज़ाम है और वीडियो एग्ज़ाम के लिए लगभग 7.5 लाख विद्यार्थी आज कूच किए हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है 2 पालियों में ये परीक्षा है, तो आप सभी लोगों को दिल से शुभकामनाएं, आप लोग बेहतरीन ढंग से एग्ज़ाम दें। साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से कुछ नई बड़ी वैकेंसीज पे भी चर्चा परिचर्चा की जा रही है
और कल परसों की डेट में आप सभी लोगों को कई बड़े विज्ञापन भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें आपके परिवहन विभाग से भी कई सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है ना। और आपका क्लर्क की वैकेंसी हो गई, गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी हो गई, साथ ही साथ आप सभी लोगों को लेखपाल की नई वैकेंसी, फिलहाल तो अभी नहीं मिलेगी, ये 2023 PET के बाद ही मिलेगी। उसके बाद आप सभी लोगों को अन्य कई वैकेंसियाँ, जैसे लैब सहायक हो गया, आपका क्लर्क की वैकेंसी हो गई, ठीक है ना, ये सारी वैकेंसीज आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, जिसमें लेखपाल हो गया, वनरक्षक दरोगा हो गया, आपका मंडी परिषद मार्केटिंग इंस्पेक्टर हो गया, मुख्य सेविका हो गई, ठीक है ना, ये सारे एग्ज़ाम आप सभी लोगों को हो गए जो पेंडिंग है, जूनियर इंजीनियर का हो गया, ठीक है ना, जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं। आखिर ये रिजल्ट्स के परिणाम हम लोगों के सामने आएंगे कब, मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि परीक्षा नियंत्रक महोदय ने इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया है कि भैया ऐसी बात है कि जो हमें रिजल्ट्स आज जारी करने हैं, ठीक है ना, ये सारे रिजल्ट्स आप सभी लोगों को 15 जुलाई के पहले पहले डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जितनी पुरानी पेंडिंग भर्तियां हैं उनको कंप्लीट करने का आदेश शासन ने इनको 31 जुलाई के पहले पहले कंप्लीट करने का निर्देश दिया है। यदि आपके कोई एग्ज़ाम पेंडिंग है तो उसको करा लीजिए, यदि आपका कोई रिजल्ट पेंडिंग है तो उसको जारी कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि जो साफ सुथरी प्रक्रियाएं हैं 2023 PET की या 2022 PET की वो आगे बढ़ सकें। तो आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, निश्चिंत हो जाइए, लगातार जो ज्ञापन आदि प्रस्तुत किए गए थे, जो अधिकारियों से मुलाकात की गई थी, उनसे जो रिक्वेस्ट किया गया था कि जल्दी से जल्दी परिणाम को जारी किया जाए, इस पर अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि परिणाम तैयार कराए जा रहे हैं और यथाशीघ्र इन परिणामों को जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके जो कृषि सहायक, प्राविधिक कृषि सहायक की जो वैकेंसी थी उनका डेटा प्रेषित कराना है, कहाँ से, UPSC से UPSSC को, ठीक है ना। लगभग 650-900 के बीच में विद्यार्थी हैं जिनका डेटा अभी तक प्रेषित नहीं किया गया, और लगभग आप लोगों को 6400-6800 पदों पर ये विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर ली जाएगी, ठीक है। और अब बात करते हैं आपके UPSC को लेकर के, UPSC में वीडियो री एग्ज़ाम के बाद आप सभी लोगों को एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि PET से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। PET से इसलिए रिलेटेड होगा क्योंकि एक निश्चित फिक्स कट ऑफ को लागू किया जाना है और इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन वहाँ पे भी तमाम भर्तियों में जो आप लोगों को प्राप्त हो किस तरीके से दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आती हैं जिसमें एज रिलैक्सेशन का जो मतलब जो एज का क्राइटेरिया होता है वो अलग अलग होता है, एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है ना, तो उसमें इन सारी मुद्दों पर जो है बातचीत की जाएगी। और पूरा यकीन है क्योंकि अधिकारियों का यह कहना है कि एज रिलैक्सेशन के मामले पे तमाम तरीके से, हर तरीके से जो आपका कानूनी तरीका है उसके माध्यम से भी सारी चीज़ों पर डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन UPSSC में मतलब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में प्रदान किया जाएगा। तो आप लोगों के लिए काफ़ी सारे महत्वपूर्ण निर्णय होने वाले हैं, अभी फिलहाल तो आयोग पूरी तरीके से फोकस्ड है अपने वीडियो और एग्ज़ाम पे, है ना। तो आज से परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है, आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके UPSC को लेकर के। UPSC ने जब अपना वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया था तो उसमें एक बात सामने आई थी कि इन्होंने लगभग 19 से 23 तिथियाँ, है ना, 19 से 23 तिथियाँ इन्होंने क्या किया था, रिजर्व कर लिया था, है ना, कि हम इस पे एग्ज़ाम कराएंगे, जब हमें क्लियरेंस मिलता जाएगा हम एग्ज़ाम की घोषणा करते जाएंगे। उसमें से काफ़ी सारी तिथियां बीत गईं, ठीक है ना, और लेकिन कोई भी एग्ज़ाम उस पे हो नहीं पाया, ठीक है ना, सारी तिथियां बीत गईं। अब समस्या इस बात की आ रही है कि PCS का रिजल्ट जारी करना है, लेकिन PCS की जो समकक्ष अर्हता है ना, उसको कई सारे पदों पर आप लोगों ने देखा होगा प्रश्नातक की डिग्री को वैलिड किया जाता है, तो वहाँ पर वो मुद्दा अटका पड़ा है, साथ ही साथ समकक्ष अर्हता को लेकर के मुद्दा अटका पड़ा है। इसलिए PCS के माध्यम से ही आप सभी लोगों का कल्याण होने वाला है,
क्योंकि लगातार शासन को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं, लगातार इस प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं ताकि पीसीएस का रिजल्ट जारी किया जा सके। अब पीसीएस का रिजल्ट जारी होगा, समकक्ष अर्हता आदि को लेकर के पदों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बेहतरीन देखने के लिए मिलेगा ही, है ना। अगर इसमें समकक्ष अर्हता क्लियर की जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि केवल इसी में क्लियर की जाएगी, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। तो पूरी सूचना प्राप्त हो रही है जो मतलब लोक सेवा आयोग से कि आजकल की डेट में आप सभी लोगों को समकक्ष अर्हता आदि को लेकर के जो विवादों की स्थितियां हैं, है ना, जो शासन का पत्र है वो प्राप्त हो सकता है। इसीलिए आप लोगों का पीसीएस का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिले किया जा रहा है, ठीक है ना। तैयार हो चुका है परिणाम, लेकिन अब कितने कैंडिडेट को प्री क्वालिफाई करा कर मेंस के लिए कॉलिंग करनी है, जाहिर सी बात है इसके लिए शासन से रिक्वेस्ट की जा रही है बार बार कि समकक्ष अर्हता का लेटर जारी कर दिया जाए, दिशा निर्देश जारी कर दिए जाए। अब पूरी संभावना है कि बहुत जल्दी आपका मामला सुलझने वाला है, ठीक है ना। इसके साथ ही पीसीएस का रिजल्ट आएगा और आपका आरओआरओ का विज्ञापन भी आएगा, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए। आरओआरओ में इस बार आप सभी लोगों को अच्छे खासे पद देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो निश्चिंत हो जाइए और तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि जिस दिन आपका विज्ञापन जारी हुआ विद इन वन मंथ, ठीक है ना, मतलब आवेदन की तिथियों के बाद आपको केवल और केवल एक डेढ़ महीने का समय मिलेगा प्री के लिए, ठीक है ना। और प्री का रिजल्ट आप सभी लोगों का दनादन आएगा, ऐसा नहीं कि मतलब कॉपियां चेक करने में बहुत समय लग जाएगा, नहीं, प्री का रिजल्ट आप लोगों का 15-20 दिन के भीतर जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी मेंस होगी, मेंस की परीक्षा के बाद उसका भी परिणाम आप लोगों को विद इन 2 मंथ वो भी जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत फास्ट ट्रैक पे आरओआरओ रहने वाली है, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में हमेशा ही ये बातें सामने आती रही हैं कि भैया इतने पद हैं, 6000 पद हैं, 5000 पद हैं, 2000 पद हैं, है ना। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ पदों का पूरा ब्यौरा प्राप्त हो चुका है आपको, ना तो 6000 पद मिलने वाले हैं ना 2000 पद मिलने वाले हैं। आपको टोटल पद मिलने वाले हैं कितना, 9692 पद। ये नए नए अध्याचनों के पद हैं, ठीक है ना, एकदम फ्रेश फ्रेश अध्याचन है, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं। रही बात आपके पुरानी भर्तियों को लेकर के कि उनके पदों को जोड़ा जाएगा कि नहीं, तो भैया अभी तक शासन ने इस पर स्पष्ट निर्देश लोक सेवा आयोग को नहीं दिया है कि आप पुरानी भर्तियों के पद इसमें जोड़िए, ठीक है ना। इसी क्रम में आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है और मजे की बात तो यह है कि आप लोगों की जो प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है वो 8 विषय नहीं, 7 विषय एलटी, 5 विषय जीआईसी ये तैयार किया गया है, ठीक है ना। और इस प्रतीक्षा सूची को अभी इसलिए नहीं जारी किया जा रहा है क्योंकि समकक्ष अर्हता क्लियर होने के बाद कला विषय की भी अर्हता, सॉरी आपकी जो वेटिंग लिस्ट है उसको बनाया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ही आप सभी लोगों के सारे वेटिंग सूचियों को जारी किया जाएगा, लेकिन ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की 10 जुलाई के भीतर भीतर कंप्लीट हो जानी है। इसके पहले आपकी जो अर्हता है वो क्लियर हो जाएगी, एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट को क्लियर होने के बाद आपके जो भर्ती के रास्ते हैं वो खुल जाएंगे, है ना। प्रतीक्षा सूची जारी होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि उसमें ज़्यादा समय लगता है, है ना, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, फटाफट सारी कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। तो उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा, तो विज्ञापन आदि आने में ज़्यादा समय नहीं है, है ना। और आप लोग अगर तैयारियां शुरू कर दिए हैं जीएस जरूर पढ़िए, अगर आप जीएस पढ़ेंगे तभी आप एलटी ग्रेड और जीआईसी में टीचर बन सकते हैं, है ना। अगर जीआईसी लेक्चरर आपको बनना है और एलटी ग्रेड अध्यापक बनना है तो आपको जीएस और सब्जेक्ट दोनों का कम्बिनेशन बना करके चलना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची, क्योंकि आप जानते हैं अवकाश की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है और अब ये टोटल आप लोगों को 2 जुलाई तक देखने के लिए मिलने वाला है और 2 जुलाई के बाद ही अब विद्यालय ओपन होंगे, मतलब 1 जुलाई को तो सैटरडे, 2 को संडे, 3 से मंडे है, तो जाहिर सी बात है 3 से विद्यालय चलेगा, है ना। और मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त भी कर देना चाहता हूँ कि जो प्रयास आप लोगों के लिए किए जाते हैं वो पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ किए जाते हैं। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए।
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके प्रतीक्षा सूची को लेकर के, टीजीटी पीजीटी की प्रतीक्षा सूची। आज प्रवक्ता के विषय में मैं आप सभी लोगों से कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों को पूरी प्रतीक्षा सूची बता सकूँ, दिखा सकूँ, लेकिन समस्या इस बात की होती है कि अपनी भी कुछ व्यस्तताएँ होती हैं, आप लोगों के लिए सूचनाएँ कलेक्ट करनी होती हैं, अधिकारियों से मिलना होता है, कार्यदायी संस्थाओं में जाना होता है, इसकी वजह से थोड़ा सा मतलब मैं लेट हो जाता हूँ, इस वजह से आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर सारी चीज़ें समझा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ कि जो आपके टीजीटी में मतलब सॉरी प्रवक्ता में 2021 में किन किन विषयों को लेकर के विद्यार्थियों में जो गर्माहट है वो देखने के लिए मिल रही है, मैं आप लोगों को प्रवक्ता 2021 की बातें बताता हूँ। प्रवक्ता 2021 में जिन जिन विषयों का मैं नाम ले रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा। पहला विषय है हिंदी, ठीक है ना। हिंदी विषय में 5 सीटें आप सभी लोगों की जनरल कैटेगरी की रिक्त हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की, ठीक है ना। मतलब उसमें EWS भी है और अनरिजर्व कैटेगरी भी है, ठीक है। तो इन विद्यार्थियों को मतलब चाहे बालिका वर्ग हो या बालक वर्ग हो, ठीक है ना, 2 सीटें आपकी बालिका वर्ग की रिक्त हैं और 5 सीटें आपकी बालक वर्ग की रिक्त हैं, ठीक है। और आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए उन विद्यार्थियों का जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए और उन्होंने इसमें रिज़ाइन कर दिया, ठीक है ना। इसमें से 3 ऐसे विद्यार्थी हैं जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्य मतलब नियुक्त हुए हैं 2021 वाली वैकेंसी में, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों को 5 सीटें बालक वर्ग से और 2 सीटें आपकी बालिका वर्ग से, ठीक है ना, ये आपको देखने के लिए मिलने वाला है प्रवक्ता हिंदी में। मतलब टोटल 7 पदों पर आप सभी लोगों को ये नियुक्तियाँ देखने के लिए मिलने वाली हैं। अब ऐसा नहीं कि OBC और ST के छात्र हमसे ये पूछने लगे कि भैया हम लोगों का क्या नहीं है, आप लोगों का भी है, 1 या 2 सीटें आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है ना। मतलब 2 सीटें OBC वर्ग की हैं, 1 सीट ST की है और 1 सीट ST की है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग निश्चिंत हो जाइए, इसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छा खासा एडवांटेज मिलने चल रहा है 2021 प्रवक्ता हिंदी विषय में, ठीक है ना। अच्छा खासा एडवांटेज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों का कल्याण होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके दूसरे विषय को लेकर के, जो इसका नाम है संस्कृत। संस्कृत विषय में आप सभी लोगों को केवल और केवल 3 पदों पर, 3 पद अनरिजर्व कैटेगरी बालक वर्ग, ठीक है ना, और 5 पद आपके बालिका वर्ग, मामला गरम है, 3 बालक 5 बालिका, ठीक है ना, ये आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। अब इसमें OBC ST कितना है ये फिलहाल जानकारी अनुपलब्ध है, ठीक है ना। यही जानकारी प्राप्त हुई है कि 3 बालक 5 बालिका कि जो सीटें रिक्त हैं उस पर काउंसलिंग होगी और विद्यार्थियों को नियुक्तियां दी जाएंगी। ये हो गई आपकी बात संस्कृत की। अब बात करते हैं आपके अंग्रेजी विषय की। अंग्रेजी विषय में 2 पद हैं, ठीक है ना, प्रवक्ता विषय में 2 पद, ठीक है ना। अब बालक है कि बालिका है ये मुझे नहीं पता, लेकिन 2 पद रिक्त हैं आपके अंग्रेजी विषय के। गणित विषय में सर्वाधिक 10 पद खाली हैं, ठीक है ना, गणित विषय में सर्वाधिक 10 पद खाली हैं, जो कि आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। 7 पद आपको मिलेंगे बालक वर्ग से, 3 पद मिलेंगे बालिका वर्ग से, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। अब बात करेंगे आपके गृह विज्ञान की। गृह विज्ञान में 3 सीटों पर आप लोगों को काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी ही आपको सीटों की मतलब जानकारियां हैं। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि शाम की वीडियो में आप सभी लोगों को पूरा डेटा उपस्थित कर दूं और जो जो जानकारियां मिलती रहती हैं आप सभी लोगों को तक शेयर की जाती रहती हैं। कल शिक्षा निदेशक महोदय के सम्मुख हम लोग उपस्थित हुए थे और ज्ञापन आदि प्रस्तुत किया था उन्हें, और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि जल्द से जल्द प्रतीक्षा सूची को क्लियर किया जाए। उन्होंने सारी बातों को स्पष्ट किया है कि 13-3, 13-5 को हम पूरी तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जैसे ही हमें पूरी सूचना प्राप्त हो जाती है जाहिर सी बात है हम इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे और विद्यार्थियों को 1 अगस्त के पहले पहले नियुक्तियां दे दी जाएंगी। मतलब जो प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की चल रही हैं ये आपकी 31 जुलाई के पहले पहले कंप्लीट हो जानी है। आप लोगों को यदि TET, CTET, SuperTET, TGT, PGT, LTGIC, UP कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, UP SSSC आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और इसका नोट्स प्राप्त करना है
तो 9721 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी हैं जो कि बेरोजगार हैं, परेशान हैं, है ना, उन विद्यार्थियों के लिए ये भाई महंगी कोचिंग संस्थाओं को एफोर्ड कर पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है, इसलिए वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से नोट्स आदि प्राप्त करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि आप हमारी याचिका से जुड़िए, चाहे वो 72825 को लेकर के हो, ठीक है ना, या आपके TGT PGT 2016-2021 से हो। इन विद्यार्थियों का भला हो सकता है अगर कोई विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि जिस मजबूती के साथ आप लोगों का केस लड़ा गया है आपके लिए एक वानगी है 69,000 की शिक्षक भर्ती। देख लीजिए, एक अंक कामन लेकर के आए थे और 3,490 विद्यार्थियों की नौकरी पक्की हो गई उसी एक अंक कामन के आधार पे, ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो देर मत करिए, ठीक है, क्योंकि ये मौका केवल और केवल आप सभी लोगों को 3 जुलाई तक ही देखने के लिए मिलने वाला है, इसके बाद आप लोगों को कोई अवसर नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है TGT PGT की परीक्षा को लेकर के और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कब होगी, विद्यार्थियों ने हमारे पास भी बहुत सारी बहनों ने और विद्यार्थियों ने मैसेज किया था कि भैया कब तक असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकता है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती विज्ञापन संख्या 51, ठीक है ना, लगभग 900 से अधिक पदों का ये आवेदन था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपकी ये परीक्षा अगस्त महीने में आयोजित की जाएगी, ठीक है ना, अगस्त के पहले इसके होने की संभावना नहीं है। अगस्त महीने में आप लोगों को ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगी और वो भी नए शिक्षा संवचन आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। तो निश्चिंत हो जाइए, अपनी तैयारियों पर आप लोग फोकस करिए और तैयारियाँ करते रहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है शारीरिक शिक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए। बहुत दिन से ये मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है कि शारीरिक शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षा को चलिए ठीक है, योगी जी महाराज जी अब आपका अनिवार्य करने चल रहे हैं कंप्यूटर शिक्षा को, तो कंप्यूटर शिक्षा को आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो है अध्यापकों की भर्ती करना अनुदेशकों की तरह या आपके शिक्षा मित्रों की तरह, जाहिर सी बात है ये ठीक नहीं है। और यदि उसको किसी वैकेंसी में सम्मिलित किया जाता है, कोई सब्जेक्ट है, तो उसको जाहिर सी बात है कि नियमित शिक्षक के तौर पर रखा जाना चाहिए, है ना। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने लगातार ज्ञापन आदि प्रस्तुत किए हैं और मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि TGT PGT LT और GIC इन तमाम भर्तियों में आप सभी लोग नियमित शिक्षक के तौर पर ही सम्मिलित होंगे, मतलब नियमित शिक्षक बनने के लिए ही सम्मिलित होंगे, आउटसोर्सिंग के माध्यम से, संविदा बेस पे नहीं, ठीक है ना। तो चिंता विमुक्त हो जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए।